this video I have explained you a small first part of the chapter, जिसमें हमने लास्ट में यही पढ़ा था दैट दे वर स्टिल राइडिंग द हॉर्स एंड मुराद वॉज स्टिल सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली. दे वर स्टिल इन द कंट्री साइड वेयर दे एटलीस्ट नो सम ऑफ देयर नेबर्स फ्रॉम वेयर देयर वी हैव रेड इट इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर फर्दर. लेट्स रीड. एट लास्ट माई कजन मुराद सेट, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. Will you let me ride alone? I asked. That is up to the horse, my cousin said. Get down. The horse will let me ride, I said. We shall see, he said. Don't forget that I have a way with a horse. Well, I asked, any way you have with a horse, I have also. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember, you've got to let me try to ride alone. So, what happened? Murad asked Aram to get down. Murad ne Aram ko bola ki wo niche utar jaye, as usko akele ride karna hai horse par. Aram asked if he could ride the horse alone. So Aram, here is the narrator. So Aram ne poocha Murad se ki kya wo bhi akele horse ride kar sakta hai. So to that reply, Murad said that it is up to the horse if he wants to ride you along, and asked him to get Murad down again. So Murad kehta hai us par ki ye depend karta hai हॉर्स पर कि क्या वो तुम्हें अकेले राइड करवाना चाहता है या नहीं. एंड देन अगेन मुराद आस्क्ड अरम टू गेट डाउन. अरम ट्राई टू कन्विंस हिम दैट द हॉर्स वुड लेट हिम ट्राई राइड विच मुराद सेड दैट वी शैल सी एंड टोल्ड अरम दैट ही हैड अ वे विद अ हॉर्स. टू दैट अरम टोल्ड हिम दैट ही हैड अ टू. सो जो मुराद है वो अरम से बोलता है कि इट डिपेंड्स अपॉन हॉर्स कि वो तुम्हें राइड कराना चाहता है या नहीं चाहता है. टू दैट अरम कहते हैं कि ही ट्राई टू कन्विंस मुराद कि मुझे हॉर्स राइड अपने ऊपर करने देगा. टू दैट मुराद सेड कि डोंट फॉरगेट कि जो इसका एक्सेस है, जो हॉर्स कौन लाया है, ये किसने ये तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है. सो टू दैट अरम रिप्लाई टू मुराद दैट जितना उसका हक है उस हॉर्स पर उतना ही अरम का भी है. सो टू दैट मुराद टोल्ड हिम टू गेट डाउन एंड सेड इट इज़ फॉर हिज ओन सेफ्टी बट लेट अस होप सो. सो ही सेड कि इट इज़ अब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है ये, बट होप सो एंड गेट हिम डाउन. ओके, लेट्स रीड फर्दर. I got down and my cousin Murad cricked his heel into the horse and shouted. Wazir run. Wazir is a name. Okay? He has given a name to the horse. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I have ever seen. So, what happened? Aram got down while telling him that he will also ride the horse again. So Aram नीचे उतर गया ये बताते हुए कि Aram भी अकेले horse ride करेगा. ठीक है. मुराद ने क्या किया, kicked his heels in the horse and shouted him to run. So मुराद जो as you have seen उसको control करने के लिए वो कुछ पट्टे होते हैं जो पहनते हैं एंड उसके और कुछ होता है जो पैर रखने के लिए भी होता है, दैट इज़ नोन एज हील्स. तो मुराद ने उस पर किक किया हील्स पर, जिससे कि जो हॉर्स है वो रन करना स्टार्ट करे. एंड ही आस्क्ड वज़ीर, उसने नेम दिया हॉर्स को, ही आस्क्ड वज़ीर टू रन. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, मतलब अपने पीछे के लेग्स जो होते हैं उसको हम हिंड लेग्स बोलते हैं, उनके उन दो लेग्स पर वो हॉर्स खड़ा हो गया. ठीक.
ठीक है. ही ब्रेथ आउट एंड रन टू अ स्पीड, और उसने सांस ली और तेजी से वो भागना स्टार्ट कर दिया उसने. मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास. नाउ ये ऐसी चीज़ उसने कभी नहीं देखी थी. अरम हैव नेवर सीन सच अ लवलीस्ट थिंग. वॉट इज द लवलीस्ट थिंग? टू सी अ हॉर्स रनिंग इन सच अ स्पीड. ओके, लेट्स रीड फर्दर. माई कज़न मुराद रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू अ इरीगेशन डिच. क्रॉस द डिच ऑन the horse and 5 minutes later returned dripping wet. So what happened? मुराद ने रेस करनी स्टार्ट कर दी. अब उसने हॉर्स को दौड़ाया अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास एंड इरीगेशन डिचेस. व्हेन दे अराइव 5 minutes लेटर दे वर वेट. तो वहाँ पे इरीगेशन डिचेस थे, मतलब वहाँ पानी था. तो जब वो वापस आए 5 minutes बाद, वो पूरे भीगे हुए थे. दे वर वेट, दे बोथ वर वेट. लेट्स रीड फर्दर. द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. राइट, ही सेड. सो वॉट ही सेड? द सन वॉज ऑलमोस्ट अप. मतलब सन जो था वो, क्योंकि वो लोग ऐसे डॉन के टाइम पे, डे ब्रेक के टाइम पे निकले थे, जहाँ पे ना ज़्यादा रोशनी थी और ना ज़्यादा अंधेरा था. अब सन धीरे धीरे ऊपर आ रहा था, मतलब सुबह होने वाली थी. एंड अरम टोल्ड हिम दैट इट वॉज हिज टर्न टू राइड. एंड अरम टोल्ड कि अब उसकी टर्न है राइड करने की. सो मुराद गॉट ऑफ एंड अरम सैट ऑन द हॉर्स. तो मुराद नीचे उतर गया और अरम एंड आस्क अरम टू राइड ऑन द हॉर्स. ठीक है, लेट्स रीड फर्दर. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. The horse did not move. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. So what happened? Now what happened? Aram was fearful and the horse did not move. So Aram bahut dar raha tha because he was riding the horse the first time. एंड जब उसने कोशिश करी हॉर्स को राइड करने की, तो हॉर्स अपनी जगह से मूव ही नहीं हुआ. नाउ मुराद ट्राई टू गाइड हिम बाय सेइंग दैट ही शुड ट्राई टू किक इनटू हिज मसल्स एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड हरी बिकॉज दे नीड टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीवन वोक अप. सो इसको जो हॉर्स को उसके ओनर के पास रखना भी था, जब जिससे पहले सब लोग जग जाए. इसलिए ही सेड कि जल्दी करो क्योंकि अब सुबह होने वाली है और जब सब लोग जगने से पहले मुझे इसको इसके ओनर के पास छोड़ कर आना है. दिस इज़ व्हाट ही सेड. ओके, लेट्स रीड फर्दर. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. Reared matlab raised aur snorted matlab breath out. Theek hai, matlab usne wo snort matlab wo thoda sa raise karta aur apni saans bahar chhodta. Theek hai, let's read further. Okay, then it began to run. I didn't know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditches, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. So what happened? Now Aram ko horse ride karna nahi aata tha. He was riding it for the first time. So the horse began to run. To jaise usne uske muscles pe किक किया, तो हॉर्स जो था वो रन करना स्टार्ट करने लगा. एंड अरम डिड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. और अरम को ये चीज़ नहीं पता थी कि उसको रोकना कैसे है, उसको गाइड कैसे करना है, उसको डायरेक्शन कैसे देना है. ही डिड नो एनीथिंग. सो द हॉर्स स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द रोड विच लीड्स टू द विनियर्ड
ऑफ डिक्रिन हलाबियन. तो डिक्रिन हलाबियन किसी का नाम है जो जो ओनर है विनियार्ड्स के. विनियार्ड्स एक लैंड होता है जहाँ पर वाइन्स, ग्रेप वाइन्स जिससे वाइन बनती है वो उगाए जाते हैं. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन वो दूसरी डायरेक्शन में रोड की तरफ चला गया दौड़ते दौड़ते और डिक्रिन हलाबियन की के वाइन याद के अंदर घुस गया. लेट्स रीड फर्दर. द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज द हॉर्स स्लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल देन इट काउंटेड कंटिन्यूड रनिंग. सो व्हाट हैपेंड इट बिगैन टू मूव ओवर द वाइन्स. तो वाइन्स उग रही थी वहाँ पे, ग्रेप वाइन्स उग रहे थे तो वो उसके ऊपर 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 दौड़ता रहा सब सारे ग्रेप वाइन्स खराब करते हुए. और उसने 7 ग्रेप वाइन्स खराब कर दी थी हॉर्स ने जब अरम हॉर्स से गिर गया. जब अरम हॉर्स से गिरा व्हेन अरम फेल डाउन द हॉर्स कंटिन्यूड टू रन. और हॉर्स जो था वो कंटिन्यूसली रन कर रहा था. अरम नीचे गिर गया और कंटिन्यूसली द हॉर्स वॉज रनिंग. लेट्स रीड फर्दर. माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड. We have got to get that horse. You go this way, I will go this way. If you come upon him, be kindly, I'll be near. So, what he said? Murad bhagte bhagte aaya. He came coming running down the roads towards the horse. Now, Murad told Aram that he is not worried about Aram at all. ही टोल्ड कि मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी वरिड नहीं हूँ. बट ही सेड दैट ही नीड टू फाइंड द हॉर्स. उनको बहुत ज़रूरी है कि वो हॉर्स को ढूंढ लें, ठीक है, बिकॉज उसको अपने ओनर के पास भी छोड़ कर आना है. दे नीड टू फाइंड द हॉर्स. सो दे बोथ वेंट इन डिफरेंट वेज. ही इंस्ट्रक्टेड अरम टू बी काइंड इफ ही सॉ हिम एनीवेयर. सो ही सेड कि हम दोनों अलग अलग जगह जाते हैं हॉर्स को ढूंढने के लिए. और अरम को मुराद इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम्हें वो दिखता है तो बी काइंड टू हिम. उससे नॉर्मली बहुत ही काइंड रहना उससे, ठीक है, बहुत ही पेशेंस रखना अपने अंदर. दिस इज़ व्हाट ही गाइडेड. ओके लेट्स रीड फर्दर. आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड towards the irrigation ditch. I took him half an hour to find the horse and bring him back. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What we will do? I said. Well, he said, we'll either take him back or ride him until tomorrow morning. So, what he said? So, what happened that Aram looked for the horse down the road and Murad went towards the irrigation ditch. So, Aram road pe gaya aur Murad irrigation ditch ke paas gaya dhoondne ke liye. He came back after 30 minutes with the horse. Now, Murad ko horse mila after 30 minutes. So, 30 minutes ho chuke the. He told him to jump over as the whole world was awake by then. So he told ki ab to pura world jag gaya hai. It is morning now. Ab to sab kuch pata chal jayega sabko. So Aram asked what they would do now, to which Murad told him about two options. So now Aram was frightened. Aram asked Murad ki ab wo log kya karenge? Ab kaise ye isko owner ke paas chhod ke aayenge? Because everyone will see them and ask question about that. So ab what they will do? So Aram gave him two options. Take him back, ya to isko wapas aise hi leke jaye sabke samne, or hide him until tomorrow, aur isko ya fir kal tak isko chupa kar rakhe. There are the two options that Murad gave to Aram. Okay, let's read further. He didn't sound worried and I knew he'd hide him and not take him back. Not for a while, at any rate. Where will we hide him? I said. I know a place, he said. How long ago did you steal this horse? I said.
So what happened now? Now Aram knew that Murad would hide him somewhere and not take him back for a while because Murad ki voice se wo fearful nahi lag raha tha. Usko kisi cheez ka dar nahi tha. Aram was frightened and on the other hand Murad was very relaxed and Aram knew somewhere that Murad isko wapas nahi leke jayega. Murad isko hide karega. That is the reason he is not worried about it. So to that Aram asked Murad that did you know any place to hide him, where we will hide this horse. So to that Murad replied that he knew a place which he would be a perfect as a hidden spot. So he said ki usko ek jagah pata hai jo bilkul perfect hogi isko chhupane ke liye. Okay, this is what he told Aram. Let's read further. How long ago did you steal this horse? I said, it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. And he had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. So, dawned matlab appeared. Okay? So, Aram eagerly asked Murad that when he stole the horse, कि उसने ये जो horse है वो कब चुराया था. It appeared to him that Murad had been taking the horse for morning rides for quite some time. So, because Aram felt कि Murad जो है वो frequently इस horse को लाता है और morning rides के लिए जाता है for some quiet times, वो ऐसा कर रहा है. And he showed up this morning to ask Aram, और वो आज मेरे पास Aram के पास इसलिए आया है पूछने के लिए because he knew how he was longing to ride one. कि कितना ज़्यादा वो long कर रहा है, कितना ज़्यादा वो want करता था एक horse ride करने के लिए. That is the reason he came to Aram this morning. But he felt कि वो बहुत time से ऐसे morning rides पे horse की जा रहा है. ठीक है. Now let's read further. Who said anything about stealing a horse? He said, anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? Not until this morning, he said. Are you telling the truth? I said. So what happened? Now Murad shuts him down by asking a counter question about who talks about stealing a horse. So Murad ने Aram को बिल्कुल चुप करा दिया by counter questioning. मतलब उसने question का जवाब नहीं दिया, उसको फिर से question किया कि horse के चुराने की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर. ठीक है. Now Aram tried to change the question by asking him since how long was he riding the horse every morning. To that Murad said that it was the first time. So what happened? Aram ने question change करते हुए उससे पूछा कि कितने बार तुम ऐसे morning में horse ride करने के लिए लाए हो. And he said that you are telling the truth or not. कि तुम मुझे सच बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो. To that Murad said that it is the first time. Okay. So I'm ending this video here. I want you to go back and just read the story again and again. It's a difficult one. You have to read it twice, thrice, as much as you can. If you have any doubt, you can ask. Thank you.